हमारे चैनल एजो ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। अब वो जिंदगी जो इस पिंजरे में बंद है, ये कैसे खूबसूरत हो, क्योंकि कपड़े के हुसन से जिंदगी में हुसन नहीं आता, ड्राइंग रूम की खूबसूरती से जिंदगी में खूबसूरती नहीं आती, बेडरूम के आलीशान होने से, 10-12 करोड़ का नेकलेस पहनने से, 50 करोड़ की अंगूठी पहनने से जिंदगी खूबसूरत नहीं होती, 50 करोड़ की गाड़ी में बैठने से जिंदगी खूबसूरत नहीं होती। जिंदगी एक और चीज है और इससे मुतालिक चीजें, वो और जहान है, वो और जहान। तो इसका अल्लाह ने हमें पता, जैसे अल्लाह ने जिंदगी दी उसी अल्लाह ने हमें उसका पता बताया। लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। अगर तुम जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हो तो उसका एक रास्ता है और वो एक ही जगह सौदा मिलता है पूरे लाहौर में और किसी के पास, पूरे 6 बर्र आज़म में, 7 बर्र आज़म में और किसी के पास जिंदगी की खूबसूरती का राज नहीं है, वो सिर्फ मेरे महबूब के पास है। वहाँ आओ, तुम्हारी ज़िंदगी भी खूबसूरत हो जाएगी। स्विट्ज़रलैंड में 2-3 दफ़ा गया हूँ, दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क, और एक आदमी गरीब नहीं वहाँ, एक आदमी वहाँ गरीब नहीं, सब खुशहाल हैं, मालदार हैं, फ़कीर गरीब एक शख्स भी नहीं। इस तरह उन्होंने उसको सेट किया। और उस मुल्क में खुदकुशी करना कानूनन जायज़ है कि आप दरख्वास्त देते हैं मैं मरना चाहता हूँ, वो आपकी दरख्वास्त पे आपको जहर का टीका लगा के मौत की नींद सुला देते हैं। मुल्क खूबसूरत, लोग खूबसूरत, वादियाँ खूबसूरत, घर खूबसूरत, सवारियाँ खूबसूरत, शहर चमकते उजले। मैं लेट आ गया, माफ़ी चाहता हूँ कि सड़कां कोई ना हैं, दरिया बने हुए हैं, तो बेड़ी दी लोड आई, असी गड्डी ते मोटर ते चढ़ बैठे, तो हमारे तो शहरों का हाल कोई नहीं है। तो फिर वो वहाँ मरने की इजाज़त क्यों है? मैं तो, अगर मरना चाहते हो आ जाओ, हम तुम्हें जहर का टीका लगा दें। कि उनके पास ये इल्म नहीं है कि जिंदगी खूबसूरत कैसे बनती है। इस बनाने वाले के पास ये इल्म है जिसने हमें बनाया और उसने उसको ट्रांसफर किया अपने हबीब की तरफ और किसी को नहीं दिया, वहां से ये मिलेगा। क्योंकि जिंदगी चीजों का नाम नहीं, एहसासात का नाम है। एहसास, एहसास पर जब चोट पड़ती है तो जिंदगी वीरान हो जाती, और एहसास को जब नश्वो नुमा मिलती है तो जिंदगी खूबसूरत हो जाती। और जिंदगी एहसास पर चोट छोटी गाड़ी से नहीं पड़ती, बुरे रवैयों से पड़ती है, बुरे अखलाक जिंदगियों को तारीकी में बदल धकेल देते हैं, और अच्छे रवैये और अच्छे अखलाक वो जिंदगी के अंधेरों को उजालों में बदल देते। एक आदमी 20 कनाल के घर में रहता हो और बच्चे नाफरमान हों, क्या ख्याल है उसकी जिंदगी में खुशी होगी? उस घर में रहने वाली माँ खुश होगी? या खामिंद बीवी में बदतमीज हों, औरत की जबान भी लंबी हो, मर्द की जबान भी लंबी हो, तो क्या इन्हें रोल्स रॉयस में बैठ के सुख महसूस हो, या सोने के प्लेटों में खाना खा के इनके अंदर खुशी दाखिल होगी? मेरे भाई बहनों, जिंदगी एहसास का नाम है, और एहसास को अंगूठी नहीं खुश करती, जेवर नहीं खुश करता, 22वां ग्रेड नहीं खुश करता, चीज़ें नहीं खुश करती, एस बड़े बड़े महल खुश नहीं करते हैं। एहसास को खूबसूरत अखलाक पानी लगाते हैं और एहसास को बद अखलाकी आग लगा देते हैं। भाइयों में सलूक ना हो,
خاوند بیوی میں سلوک نہ ہو، اولاد ماں باپ میں سلوک نہ ہو، پڑوسی پڑوسی میں سلوک نہ ہو، تو وہ جنگل بن جاتا، جنگل بن جاتا۔ اور صرف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہوں نے زندگی کو زیور پہنایا، جنہوں نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، جس طریقے کو اپنا کر یہ مستورات، آپ، ہم، یہ ہمارے بچے ایک عالی شان، حسین، خوبصورت زندگی گزار سکتے۔ تو ہمارے ذہن میں تھا کہ ہمارے بچے اللہ کرے اپنے نبی کو پہچان لیں اور ہم بڑے بھی پہچان لیں کہ یہ خیرات وہاں سے ملتی ہے جو سونے چاندی کے ڈھیر میں نہیں ملتی، بادشاہوں کے در سے نہیں ملتی، یہ خیرات وہاں سے ملتی ہے۔ تو اللہ نے پہلے اپنے حبیب کو خاندانی لحاظ سے خوبصورت بنایا، میرے نبی نے کہا سب نسل انسانی میں سے اللہ نے عربوں کو چھانٹا، پھر عربوں میں سے مضر کو چھانٹا، پھر مضر میں سے قریش کو چھانٹا، پھر قریش میں سے ہاشم کو چھانٹا، پھر ہاشم میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا، میں اس دنیا میں سب سے عالی خاندان والا ہوں، مجھ سے بڑا خاندان کسی کا نہیں، مجھ سے بڑا کسی کا نسب نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی وسأبلها ببلالها، قیامت کے دن ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا لیکن میرا میری اولاد کے ساتھ رشتہ نہیں ٹوٹے گا، میں اسے پانی لگاؤں گا، میں اسے پانی لگاؤں گا۔ تو پہلا حسن دیا خاندان کا، ساری کائنات میں سے چھانٹ کے الگ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو چاروں طرف سے ریت اور پہاڑ کھڑے کر دیے کہ کوئی غیر قوم اندر نہ جا سکے، اور ان کی فطری صلاحیتیں اور ان کی فطری صفات وہ ابھرتی رہیں، ابھرتی رہیں، ابھرتی رہیں۔ تو خاندان کے لحاظ سے سب سے بلند و بالا، اور کسی کا خاندانی نسب آدم علیہ السلام تک نہیں جاتا، یہ واحد ہستی ہمارے نبی جن کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔